राम रहीम की करीबी इस महिला से बाबा की दुलारी हनीप्रीत का सुराग मिल सकता है। न सिर्फ हनीप्रीत बल्कि डेरा सच्चा सौदा के कई राज्य ये जानती है। ये महिला कोई और नहीं बल्कि डेरा सच्चा सौदा की चेयरपर्सन विपासना। इन्हें भी पुलिस जांच में शामिल किया जा सकता है। पहले से ही पुलिस के रडार पर रही डेरा की 45 सदस्यीय कोर कमेटी की भी जांच की तैयारी है। डेरा प्रमुख को पंचकूला में दोषी करार दिए जाने के बाद 25 अगस्त को हुई हिंसा के बाद से फरार हनीप्रीत और आदित्य इंसा की गिरफ्तारी के लिए रॉ सहित तमाम एजेंसियों की मदद ली जा रही है। डेरा सच्चा सौदा मामले में पुलिस को अब तक कई अहम जानकारियां मिली हैं जिनकी जांच जारी है। डेरा सिरसा से भारी संख्या में हार्ड डिस्क बरामद हुई है। डेरे के आईटी प्रमुख की गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ चल रही है और 60 हार्ड डिस्क और फुटेज को डिलीट करने की कोशिश की गई। बावजूद इसके पुलिस तमाम पहलुओं पर बारीकी से छानबीन कर रही है। गौरतलब है कि हनीप्रीत के फरार होने के बाद से अलग अलग साध्वियों ने बातचीत में यह साफ किया है कि हनीप्रीत और विपासना एक दूसरे के बारे में जानकारियां रखती रही हैं। लुकआउट नोटिस के बाद से फरार हनीप्रीत तक पहुंचने के लिए पुलिस विपासना को भी जांच में शामिल कर सकती है। माना जा रहा है कि इससे कुछ और जानकारियां मिल सकती हैं। 25 अगस्त के बाद से फरार हनीप्रीत के लिए राजस्थान नेपाल सहित अन्य शहर सुर्खियों में रहे, लेकिन अब तक मिले सुराग को पुख्ता नहीं किया जा सका है। सिरसा पुलिस के मुताबिक जिस मोबाइल से हनीप्रीत ने 25 अगस्त को रात 11 बजे डेरा चेयरपर्सन विपासना से बातचीत की वह मोबाइल राजस्थान से बरामद हुआ था। विपासना भी स्वीकार कर चुकी है कि 25 अगस्त की रात को उनकी हनीप्रीत से मोबाइल पर बात हुई थी। हनीप्रीत और आदित्य इंसा की तलाश में पुलिस टीमें लगातार छापामारी कर रही हैं। विपासना समेत अन्य को हरियाणा पुलिस भेजेगी नोटिस। डेरा मुखी को सजा होने और डेरे को खंगालने के बाद भी अभी कई चीजें ऐसी हैं जो रहस्य की चादर ओढ़े हुए हैं। हरियाणा पुलिस और सरकार इस कोशिश में है कि डेरे से जुड़ी हर चीज सामने आ जाए। इसके लिए हरियाणा पुलिस ने अब डेरे की प्रबंधन समिति पर शिकंजा कसने का मन बनाया है। फिलहाल डेरे का कामकाज देख रही चेयरपर्सन विपासना समेत प्रबंधन समिति के अन्य पदाधिकारियों को भी पुलिस ने खंगालने की तैयारी कर ली है। पुलिस ने इन सभी लोगों के नोटिस तैयार कर लिए हैं, जिसमें इन सभी लोगों को निर्देश है कि वे पुलिस के समक्ष पेश होकर इस बाबत की जा रही जांच में पुलिस का सहयोग करें। डेरा मुखी को सजा हो गई और लोकल कमिश्नर की निगरानी में 10 टीमों ने डेरा भी खंगाल लिया गया। लेकिन डेरे की मैनेजमेंट क्या है, ये क्या क्या काम करती है, डेरे में हर चीज को किस तरह मैनेज किया जाता था, इत्यादि कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब या तो डेरा मुखी के पास है या फिर उसके खासम खास उन लोगों के पास जो डेरा मैनेजमेंट के सदस्य या पदाधिकारी हैं। लिहाजा हरियाणा पुलिस डेरा सिरसा की मैनेजमेंट से जुड़े हर सदस्यों और पदाधिकारियों से पूछताछ करना चाहती है, इसलिए उन्हें तलब किए जाने की तैयारी कर ली गई है। इसमें फिलहाल विपासना का नाम सबसे ऊपर है, क्योंकि इस सारे प्रकरण में जहां अधिकतर पदाधिकारी अंडरग्राउंड हो गए, वहीं विपासना ने ही सामने आकर डेरे की ओर से सफाई थी। इसलिए विपासना को मुख्य रूप से पुलिस अब अपनी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाएगी। हरियाणा पुलिस के डीजीपी बलजीत सिंह संधू के अनुसार विपासना समेत सभी प्रबंधन समिति के पदाधिकारियों व सदस्यों को नोटिस भेजा जा रहा है। खुद ही ये लोग पुलिस जांच में सहयोग करें तो ठीक रहेगा, वरना किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। गुरुवार ब्रह्मचारी के नाम से डेरे में पहचानी जाने वाली विपासना डेरा सच्चा सौदा की चेयरपर्सन है। वह 250 मेंबर मैनेजमेंट ऑफ डेरा सच्चा सौदा का नेतृत्व करती है, जिसमें 150 मेंबर महिलाएं हैं। सिरसा के ही शाह सतनाम जी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट से विपासना ने ग्रेजुएशन की है। 35 साल की विपासना अविवाहित है। वह हरियाणा के किस जिले से ताल्लुक रखती है, उसके माता पिता कौन है, उसका मूल पता कहाँ है, उसके परिजन कहाँ हैं, जैसे कई सवाल विपासना से जुड़े हैं जिनका जवाब आज तक नहीं है। डेरे से जुड़ी वेलफेयर एक्टिविटी भी विपासना ही देखती है।